लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब लोग अपने अपने जगह खड़े रहो, कोई हिलना नहीं। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं हूँ इस दुकान का मालिक जौहरी जानकी दास, क्या सेवा करूँ? आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ जी हाँ, सेठ करोड़ी माला है, बहुत बड़े जौहरी हैं, क्या सेवा करूँ? इनका कहना है कि इनकी दुकान से लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए और उनको शक है कि वो सब आपके पास। ये सब झूठ है, बात दरअसल में ये है कि हम दोनों टक्कर के व्यापारी हैं, इसलिए ये मुझे बदनाम करना चाहता है। मगर तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। सेठ जी, जी आप अपने जेवर पहचान लीजिए। इंस्पेक्टर यस सर, लिस्ट बनाओ इसका, आइए। मगर सुनिए तो इंस्पेक्टर साहब, जी ये इंस्पेक्टर साहब, ये तो अपने आप ही बनवाए हैं। और ये भी ये 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 वाला देखो इंस्पेक्टर, दूसरा मोती का सेट, एक और मोती का सेट सोने के साथ। इंस्पेक्टर साहब, ये जेवरात जो करोड़ी माल ने बताया है, वो अपने बक्से में रखते जा रहे हैं, ये मेरी अपनी दुकान के हैं, मेरे अपने कारीगरों ने बनाए हैं। इंस्पेक्टर साहब देखिए, अगर ये वाकई आपके हैं, ये मेरे हैं, तो कल सवेरे तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको वापस वापस वापस। इंस्पेक्टर यस सर, इस पर सिग्नेचर करके इनको दे दो। ओके सर, चलिए सर। ये क्या लिस्ट और आप भी इस साहब को फोन करो सर। ये पुलिस नहीं है, डाकू है। की खाल पहन लेने से भेड़िया शेर नहीं बन जाता पाचा। लगता है चारों तरफ ये पुलिस के सायरन तुम्हारे लिए बज रहे हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ जेलर। तुम तो अच्छी तरह जानते हो पाचा, जेलर शमशेर सिंह वो चट्टान है जिसे अपनी जगह से कोई नहीं हटाता। और तुम भी अच्छी तरह जानते हो जेलर, चट्टानों के चीथड़े उड़ाना पाशा का पुराना पेशा है। जेलर, मुझसे दुश्मनी मत लो। जेलर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे जाने दो। तुम सिर्फ जेल जाओगे पाशा, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार भी हूं। कानून की दुनिया में रहने वालों का पाप की दुनिया में रहने वालों से कोई रिश्ता नहीं होता, समझे? ले जाओ इसे और FIR में मेरा नाम जरूर लिख देना, मैं गवाही देने आऊंगा। ले जाओ जेलर, ले जाओ। अपने कफन के पैसे जमा कर लेना, इंतकाम लेने वापस आऊंगा मैं। मेरी बहन, आज तेरी याद आई भी तो किस तरह। आज आपकी बहन आपको एक ऐसा तोहफा देने वाली है जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जरा हम भी तो सुने क्या तोहफा है। इसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। जीवन साथी? अरे घबराती क्यों है, तेरी पसंद मेरी पसंद।
ओ भैया। अच्छा अब जरा उसकी फाइल खोल दे, नाम पता बिजनेस कौन से खानदान से है। भैया वो आपसे मिलने आ रही है, आप खुद पूछ लीजिएगा ना। ठीक है फिर आ ही रहा है तो वो आ गई। तुम बदमाश, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ ये कमीना एक नंबर का चोर है। भैया तुम्हारे भैया ठीक कहते हैं शारदा, मैं जेल जाता रहा, चोरी करता रहा, मगर तुमसे मिलने के बाद मैं वो दुनिया छोड़ चुका हूँ। बाप की दुनिया में मजबूरी से जाने वाला आदमी वापस आ सकता है, लेकिन जिसका जन्म ही बाप की दुनिया में हुआ हो उसके खून के हर कतरे में बाप का रंग मिला होता है वो उसे नहीं छोड़ सकता। इसका दादा अपने जमाने का एक मशहूर खतरनाक दलील डाकू था, इसका बाप वैश्याला चलाता था और खून के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया था, और ये खुद शराबी बदमाश उचक्का गुंडा और न जाने क्या क्या है। यू ब्लडी बास्टर्ड, दोबारा अगर मेरी बहन से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं जी, इसलिए मैं चला जाता हूं, लेकिन बहुत जल्द आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैं उस दुनिया से नाता तोड़ चुका हूं जिसे आप पाप की दुनिया कहते हैं। चलो शारदा। शारदा नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी भैया। शारदा ये क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन अब मेरी जिंदगी इन्हीं की सेवा के लिए है। हम दोनों मंदिर में शादी कर चुके हैं और मैं इनके बच्चे की मां बनने वाली हूं भैया। कांता वाकई मेरी बहन जो तोहफा मुझे दिया वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इतनी रात को कौन हो सकता है? देखता हूं। कांता भैया एक बार, सिर्फ एक बार इस दहलीज के अंदर आने की इजाजत दे। शारदा तुम ये क्या हालत बना रखी है? आओ अंदर आओ। शारदा ये बच्चा उस पाप की दुनिया की निशानी है भाभी, जहां मैं शादी करके चली गई थी। भैया ने ठीक ही कहा था, पास एक गिरगिट है, रंग बदलना उसकी फितरत है। उसने मुझसे शादी इसीलिए की थी कि भैया की इज्जत और पोजीशन के आड़ में आकर अपने पाप की कारनामे कर सके। लेकिन जब उसने देखा उसके चाल कामयाब ना हो सके तो वो मुझे वेश्यालय में बेचे चला गया। मैं वहां से भागी, इस बच्चे के लिए जान भी ना दे सकी। भैया मैंने आपका दिल दुखाया, अपने खानदान की इज्जत पर दाग लगाया, लेकिन इसकी सजा इस नन्हे से जान को न मिले, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास लेके आई हूँ। भैया भैया बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है, इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। आपकी परवरिश, आपकी तालीम इसे अच्छा इंसान बना सकती है। भैया भैया इसे कभी पता न चले कि इसका बाप एक पापी इंसान था, इसकी माँ एक मामा जी,
मामा जी। हाँ? आप मेरी माँ को बहुत चाहते थे ना? हाँ बेटा, तेरी माँ मेरी बहन नहीं, बेटी जैसी थी। आप मुझे भी अपने बेटे जैसा चाहते हैं ना? हाँ हाँ। तो आप रोया ना कीजिए। रोता कौन है? पापा, पापा, खाना तैयार है, माँ बुला रही है। हाँ चलो। पापा, विजय रो क्यों रहा है? रो कहाँ रहा है? तुम लोग चलो, मैं हाथ धो कर आया हूँ। पापा ने डांटा क्या? नहीं रे, वो क्यों डांटेंगे? वो तो मुझे इतना चाहते कि मेरे डैडी भी ना चाहते। जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये सजा मुझे तुम्हारी वजह से हुई है। मेरा बस चलता तो तुम्हें इतनी लंबी नहीं, छोटी सजा दिलवाता। सजाए मौत। संसार के तुम पहले साले हो जो अपनी बहनोई की मौत चाहते। एक जेलर और एक कैदी के अलावा मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे कहने से इस समाज का कानून नहीं बदल जाएगा जेलर। तुम्हारी बहन ने मुझसे शादी की, मेरे बच्चे की मां बनी थी। नहीं जानता कि वो आज कहां है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे खानदानी खून में मेरा खून मिल चुका है। वही खून जिसे तुमने किसी दिन गंदा कहा था, एक दिन जरूर रंग लाएगा। किसका खून क्या रंग लाता है पाशा, ये सिर्फ वक्त बता सकता है। हकीकत तो यह है कि अच्छा खून अगर गंदे माहौल में चला जाए तो भी उसकी अच्छाई को नहीं दबाया जा सकता, और गंदा खून अगर अच्छे माहौल में आ जाए तो वह अच्छा इंसान बन सकता है। लेकिन तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अव्वल तो तुम्हारा गंदा खून, उस पर गंदा माहौल, जिसकी वजह से तुम पाप की दुनिया के शैतान बन चुके हो। उस पाप की दुनिया के जहां इंसान की जन्म कुंडली लिखने वाला भी मुजरिम होता है। मैं आई है, पड़ोसन होकर इतनी देर कर दी। आशा ने कार्तिक की डैडी को दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए देर होगी। मम्मी मम्मी, आशा के पास जाओ। हाँ जा बेटा, आइए ना। चलो भाई, चलो चलो बच्चा पार्टी, आओ आओ आओ, सब केक काटेंगे, आओ। आशा बेटी, अशोक को आने में देर भी हो सकती है, मेहमानों ने घर वापस जाना है, केक काटो। उन्हें जाना है तो चले जाए, जब तक अशोक भैया नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। चलो मैं मोमबत्तियां जलाता हूँ। बस खराब हो गई तो पैदल चलकर आ गया। अरे अभी तो केक काट लो बेटी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। भाई बहन में देखा कितना प्यार है। यूं ना होगा, भाई बहन का प्यार तो इनके खानदान के खून में है। देखा नहीं जेलर साहब ने अपनी बहन के लिए क्या क्या नहीं किया। आपका टेलीफोन। क्यों नहीं? शमशेरियर, व्हाट? आशा भाग गया? ओह नो।